हेलो फ्रेंड्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वायरलेस माइक्रोफोन या कॉर्डलेस माइक्रोफोन। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसकी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। वायरलेस माइक्रोफोन कॉर्डलेस माइक्रोफोन जो है माइक्रोफोन एंड लाउड स्पीकर यूनिट का ही एक टॉपिक है और ये जो है नॉर्मली आजकल मोस्टली यही यूज होता है वायरलेस माइक्रोफोन। इसको जो है शुरुआत करने से पहले बताते हैं कि वायरलेस माइक्रोफोन को कॉर्डलेस माइक्रोफोन भी कहते हैं और इसको नॉर्मली आपने इस टाइप से देखा होगा जिसमें मतलब कोई केबल नहीं है, डायरेक्टली हमने जो स्पीकर है उसके हाथ में है, वो बोलता है, वो जो लाउड स्पीकर पर सुनाई देता है। ये हमारा वायरलेस माइक्रोफोन है। ये एक तरह से बिना केबल का माइक्रोफोन है। अभी तक इससे पहले हमने केबल वाले माइक्रोफोन देखे थे जो नॉर्मली हमने माइक्रोफोन नॉर्मली हमने स्टडी किए, नॉर्मल माइक्रोफोन उसमें एक्स्ट्रा क्या होता है और ये कैसे यूज करते हैं, इसमें एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन इसकी क्या क्या हैं और इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं, यह हम आज के समय देखेंगे। तो वायरलेस माइक्रोफोन एक तरह से हमने जानते भी हैं सभी कि बिना केबल का माइक्रोफोन होता है। इसमें एक छोटा सा रेडियो ट्रांसमीटर होता है, मतलब जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज को ट्रांसमिट करता है। माइक्रोफोन जो हमारा नॉर्मल है वो क्या करता है, हमारी साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो है हमारी साउंड सिग्नल को रेडियो फ्रिक्वेंसीज में कन्वर्ट करता है। एक तरह से रेडियो ट्रांसमीटर जो है ऑडियो सिग्नल को माइक्रोफोन से रेडियो वेव्स द्वारा किसी निकटवर्ती स्थित रिसीवर को ट्रांसमिट करता है। इसमें जो है पहला डिफरेंस ये कि इसमें बिना केबल माइक्रोफोन है, इसमें छोटा सा रेडियो ट्रांसमीटर होता है और इसमें मेन चीज़ ये है कि जो रेडियो ट्रांसमीटर है वो ऑडियो सिग्नल को माइक्रोफोन से जो है रेडियो वेव के माध्यम से किसी निकटवर्ती रिसीवर को ट्रांसमिट कर देता है। और इसको यदि देखा जाए कहाँ यूज करते हैं, नॉर्मली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मनोरंजन उद्योग में, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में, पब्लिक स्पीकिंग में यूज किया जाता है। तो बिना केबल का माइक्रोफोन है, इसमें एक रेडियो ट्रांसमीटर होता है, रेडियो ट्रांसमीटर ऑडियो सिग्नल को माइक्रोफोन से रेडियो वेव के द्वारा किसी निकटवर्ती स्थित रिसीवर को ट्रांसमिट कर देता है। इसको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, पब्लिक स्पीकिंग में यूज़ किया जाता है। मतलब हम देखना चाहें तो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में या फिर मनोरंजन उद्योग में, जैसे हम कोई ऐसा सिंगर है जो आपने देखा होगा अपने लाइफ में कई बार कि वो स्टेज पे खड़ा है, वो माइक लेके घूमता रहता है और उसका जो माइक है उसमें कोई कॉर्ड नहीं होती, मतलब फ्रीली वो मूव कर सकता है। ठीक है, वो नॉर्मली वो जो होता है वो कॉर्डलेस माइक्रोफोन या वायरलेस माइक्रोफोन ही होता है। ठीक है, नॉर्मली ये यूज करते हैं स्पीकर्स या फिर सिंगर्स यूज करते हैं और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में भी देखा होगा आपने कुछ शोज होते हैं उनमें भी जो है जो क्वेश्चन पूछने वाले बैठे रहते हैं और जो आंसर देते हैं उन सब में भी वो नॉर्मली अपने शर्ट में पॉकेट में रख लेते हैं और उसको जो है वायरलेस माइक्रोफोन को यूज करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग में भी देखा होगा स्टेज पर जो खड़े रहते हैं वो जो है वायरलेस माइक्रोफोन का यूज करते हैं। तो इस माइक्रोफोन को यूज करके स्टेज पर कोई प्रोग्राम प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति या फिर कोई वक्ता या लेक्चर देने वाला व्यक्ति फ्रीली मूव कर सकता है। मतलब उसको इस चीज़ की लिमिटेशन ज़्यादा नहीं होती कि वो मूव करते समय इसलिए देखे कि उसके मूवमेंट करने से आवाज़ में कोई फ़र्क आ रहा है, मतलब केवल खींचने से या किसी वजह से उसके मूवमेंट में कोई करने की वजह से जो लाउड स्पीकर पर जो आवाज़ आ रही है वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब वो फ्रीली मूव कर सकता है, ऐसा नहीं कि उसको पकड़ के ही खड़ा होना होगा। ठीक है, माइक्रोफोन को माइक एक तरह से शॉर्ट में थे वो हमने अपने वायरलेस माइक देखा है। ये नॉर्मल कॉर्डलेस माइक्रोफोन का डायग्राम दिखाया हुआ है। इसके की कंपोनेंट्स की यदि हम बात करें तो इसमें जो है एक माइक्रोफोन होता है जो कि वक्ता जो है अपनी पॉकेट के ऊपर लगा लेता है, उदाहरण के लिए लेवलियर माइक्रोफोन। ट्रांसमीटर जो है उसका सेकंड कंपोनेंट है,
जो कि माइक्रोफोन के अंदर ही होता है, वो बैटरी पावर्ड होता है नॉर्मली, बैटरी पावर्ड जो है ट्रांसमीटर है, और ये रेडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। तीसरा कंपोनेंट रिसीवर है, जो कि ट्रांसमीटर द्वारा भेजे गए रेडियो सिग्नल्स को रिसीव करता है एवं ऑडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। मतलब हमारे पास वायरलेस माइक्रोफोन के तीन की कंपोनेंट्स हैं, बेसिक कंपोनेंट्स हैं, माइक्रोफोन, ट्रांसमीटर और रिसीवर। माइक्रोफोन का काम क्या है, जो हमारा माइक्रोफोन एक तरह से वो हम नॉर्मल हमारा ये नॉर्मली जो वक्ता जो अपनी पॉकेट को पड़ा लेता है, वह इसमें माइक्रोफोन का काम कर रहा है। माइक्रोफोन है जो कि वक्ता अपनी पॉकेट को पड़ा लेता है, एग्जाम्पल लेवल या माइक्रोफोन। ट्रांसमीटर जो है वो कि माइक्रोफोन में ही होता है, बैटरी पावर होता है, रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट करता है। माइक्रोफोन वक्ता अपनी पॉकेट को पड़ा लेता है, ट्रांसमीटर माइक्रोफोन में ही होता है, बैटरी पावर होता है, रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट करता है, और रिसीवर जो है ट्रांसमिट द्वारा भेजे गए रेडियो सिग्नल्स को रिसीव करता है, वह ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो एक तरह से क्या कह रहे हैं कि वायरलेस माइक्रोफोन जो है वो एक माइक्रोफोन ही है, उसमें केवल केबल नहीं है, विदाउट फिजिकल केबल, माइक्रोफोन विदाउट ए फिजिकल केबल इज ए वायरलेस माइक्रोफोन। और ये जो है डायरेक्टली कनेक्टिंग इट डायरेक्टली टू द साउंड रिकॉर्डिंग और मैग्निफाइंग इक्विपमेंट विद विच इट इज एसोसिएटेड। इसमें जो है एक स्मॉल बैटरी पावर्ड रेडियो ट्रांसमीटर होता है, जो माइक्रोफोन की बॉडी के अंदर ही होता है, जो ऑडियो सिग्नल जो कि माइक्रोफोन से मिलते हैं उनको रेडियो वेव्स के द्वारा किसी नियर बाय रिसीवर यूनिट में ट्रांसमिट करता है। ये हमने इसमें देखा कि वो निकटवर्ती स्थित रिसीवर को ट्रांसमिट कर देता है, जो ट्रांसमीटर है वो रेडियो ट्रांसमीटर ऑडियो सिग्नल को माइक्रोफोन से रेडियो द्वारा किसी निकटवर्ती स्थित रिसीवर को ट्रांसमिट कर रहा है। अब इसमें जो तीन कंपोनेंट हैं उनके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं ब्रीफ में। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन और ट्रांसमीटर और रिसीवर, इनका ब्रीफ हमने देखा, अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इनको। माइक्रोफोन, वायरलेस माइक्रोफोन कम इन मेनी डिफरेंट स्टाइल्स ईच विद ए स्पेसिफिक पर्पज। मतलब जो वायरलेस माइक्रोफोन है वो कई स्टाइल्स में आता है, कई तरह के शेप स्टाइल में आता है, और उनका अलग अलग पर्पज होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो है हैंड हेल्ड माइक है, जो अभी हमने देखा है, जो ये डायग्राम दिखा रहे थे इसमें मोस्ट कॉमन जो माइक है हमारे वो हैंड हेल्ड है, मतलब हाथ से पकड़ा हुआ है, हाथ में उसको लेके घूम सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा कॉमन हमने वायरलेस माइक्रोफोन देखा है। ये जो है स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं या सिंगर्स हैं वो स्टेज पर यूज कर लेते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियंस या सिंगर द्वारा स्टेज पर यूज किया जाता है। लेवलियर लेपल माइक्रोफोन है अनदर कॉमन वायरलेस माइक्रोफोन का एग्जाम्पल है। टॉक शो होस्ट्स एंड गेस्ट्स वियर दिस। जो टॉक शो में हमने देखा होगा वो मोस्ट कॉमन इज द हैंडल माइक है, और दिस वुड बी यूज बाई स्टैंड अप कॉमेडियंस। अनदर कॉमन वायरलेस माइक्रोफोन जो है वो लेवलियर लेपल माइक्रोफोन है, और लेकिन जो टॉक होस्ट हैं, टॉक शो होस्ट और गेस्ट जो है इसको पहनते, हमने देखा इनको। और इसमें जो है जो हमारा वायरलेस माइक्रोफोन देख रहे हैं वो स्मॉल होता है काफ़ी, लेकिन इफेक्टिव होता है, स्मॉल बट इफेक्टिव माइक्रोफोन्स दैट कैन बी वेरी इजीली हिडन अंडर क्लॉथिंग। मतलब कपड़े के नीचे इनको आराम से छुपाया जा सकता है, जैसे जेब में भी लगा लेते हैं, पॉकेट में लगा लेते हैं, वो हमारा माइक्रोफोन इजीली कपड़े के नीचे छुपाया जा सकता है, ताकि बहुत बड़ा ना दिखाई दे। हाथ में लेके घूम रहे वो भी एक है मोस्ट कॉमन, लेकिन दूसरा इसको जो है छोटा डिजाइन में भी आते हैं, स्मॉल बट इफेक्टिव माइक्रोफोन्स दैट कैन बी वेरी इजीली हिडन अंडर अंडर क्लॉथिंग। और देयर इज आल्सो द हेड वॉर्न माइक्रोफोन, मतलब जो कानों में मतलब सर पे एक तरह से सर पे लगा के कानों में लगाया जाता है, सर पे पहना जा सकता है। देयर इज आल्सो द हेड वॉर्न माइक्रोफोन, मतलब जो एक तरह से हमने सर में पहन लिया और वो हमारे मुंह के आगे आ रहा है, वो हम उसे बोल सकते हैं उससे। ठीक है, तो हेड वॉर्न माइक्रोफोन जो सर पे पहना जा सकता है, वो तरह के माइक्रोफोन भी अवेलेबल होते हैं, विच इज़ व्हाट यू वुड सी एट ए पॉप कंसर्ट। अब इसके बाद ये पहला कंपोनेंट था माइक्रोफोन, दूसरा कंपोनेंट ट्रांसमीटर है, तीसरा रिसीवर है। ट्रांसमीटर में क्या क्या पॉइंट हैं जो हम एग्जाम में भी लिख सकते हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ट्रांसमीटर
ट्रांसमीटर क्या करता है, ऑडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है टू बी आउटपुट एज लाइव साउंड, जो डायरेक्टली साउंड में हमें ट्रांसमिट करनी है उस साउंड को जो है ट्रांसमीटर जो है ट्रांसमिट करता है, सेंड द ऑडियो सिग्नल टू बी आउटपुट एज लाइव साउंड। हैंड हेल्ड माइक्रोफोन्स डू नॉट रिक्वायर ए सेपरेट ट्रांसमीटर एज देयर इज वन बिल्ट इन राइट इन टू द यूनिट। मतलब जो हमारे पास हैंड हेल्ड माइक्रोफोन होते हैं जो हाथ से पकड़ के यूज किए जाते हैं, उनमें अलग से ट्रांसमीटर की आवश्यकता नहीं होती, उनमें इनबिल्ट होता है ट्रांसमीटर। फॉर ऑल अदर स्मॉल या स्मॉलर वायरलेस माइक्रोफोन्स द यूज़र वुड बी रिक्वायर्ड टू ऑल्सो वियर ए स्मॉल ट्रांसमीटर पैक। मतलब देखो, एक तो है हैंड हेल्ड वाला जो नॉर्मल हमने देखा है, उसमें तो ट्रांसमीटर अलग से नहीं होता है, उसमें इनबिल्ट होता है। लेकिन इसके अलावा जितने भी और छोटे वायरलेस माइक्रोफोन होते हैं उनमें यूज़र को एक अलग से ट्रांसमीटर पैक जो है पहनना होता है, ठीक है। और स्मॉल एनफ होता है, ये काफ़ी छोटा होता है, टू बी क्लिप्ड ऑन टू द यूजर्स पॉकेट और बेल्ट, मतलब पॉकेट या बेल्ट पर भी इसको लगाया जा सकता है। ये आपने नॉर्मली देखा भी होगा, कई टीचर्स जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं उसमें देखा होगा जो कि वो अपने पॉकेट में या बेल्ट में लगा सकते हैं, या फिर कहीं आपने किसी सिंगर को स्टेज पे देखा होगा या किसी टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग शोज में आता है या पॉप कॉन्सर्ट वगैरह पे किसी कोई लाइव प्रोग्राम हो रहा है उसमें स्टेज पर जो वक्ता है, लेक्चर देने वाला व्यक्ति है या कोई सिंगर है, वो अपनी पॉकेट में या बेल्ट पर भी उसको लगा सकता है, इतना छोटा होता है, ठीक है, स्मॉल एनफ। मच मोर कन्वीनियंट देन हैविंग टू डील कॉन्स्टेंटली डील विद द माइक्रोफोन केबल्स। जो केबल वाले माइक्रोफोन है उनमें केबल का भी ध्यान रखना होता है कि इतना ज़्यादा दूर तक नहीं जाना है ताकि केबल की लंबाई से बाहर चला जाए। यहाँ पर क्या है, केबल की लंबाई से मतलब नहीं है, आप फ्रीली उसको मूव कर सकते हैं, केबल का ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है कि केबल खींच रहा है, या केबल का भी ध्यान रखना है तो उस पर ज़्यादा ध्यान उस पर ध्यान नहीं देना है हमें, ये इजीली कन्वीनियंट है, हमें केबल का ध्यान नहीं रखना होता है, ठीक है। मच मोर कन्वीनियंट है विद रिस्पेक्ट टू केबल माइक्रोफोन्स। रिसीवर्स की बात करते हैं, थर्ड पार्ट है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो रेडियो सिग्नल को जो कि ट्रांसमिट किए गए उनको रिसीव करता है। ट्रांसमीटर द्वारा जो रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट किए जाते हैं उनको रिसीवर रिसीव करता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं दैट रिसीव द रेडियो सिग्नल फ्रॉम द ट्रांसमीटर एंड कन्वर्ट इट इन टू द लाइव ऑडियो यू हियर थ्रू द साउंड सिस्टम। हमने ट्रांसमीटर से एक जो है ऑडियो सिग्नल ट्रांसमिट किया है, जो रेडियो सिग्नल वो ट्रांसमिट किया है, रेडियो सिग्नल उसको रिसीव करता है और उसको जो है ऑडियो में कन्वर्ट करता है जो हमें सुनाई देती है। कम इन आइदर सिंगल और मल्टी चैनल रिसीवर्स डिपेंडिंग ऑन हाउ मैनी वायरलेस माइक्रोफोन्स यू विल बी यूजिंग एट द सेम टाइम। एक समय पर आप कितने ट्रांसमीटर कितने वायरलेस माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं उसके आधार पर जो है वो मल्टी चैनल या सिंगल चैनल में भी जो है आता है रिसीवर, उस पर सिंगल आते हैं। मल्टी चैनल रिसीवर्स आर ऑफन अवेलेबल इन आइदर ड्यूअल और क्वाड कैपेबिलिटीज। मतलब जो है मल्टी चैनल रिसीवर, हमने ये कहा है कि या तो सिंगल चैनल में है या फिर मल्टी चैनल में, डिपेंड करता है भाई कितने आपने वायरलेस माइक्रोफोन यूज किए हैं। एक माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं तो एक चैनल है, दो तो दो चैनल हैं, तो मल्टी चैनल में भी अवेलेबल है और सिंगल चैनल में भी अवेलेबल है। मल्टी चैनल रिसीवर में क्या होगा, वो नॉर्मली जो है या तो ड्यूल में या क्वाड कैपेबिलिटीज में आते हैं। मतलब ये कैपेबिलिटीज़ का मतलब क्या है, सब क्या समझ में आ रहा है इस चीज़ से? देखो ऐसा है ना, रिसीवर क्या होता है, वो ट्रांसमीटर जो सिग्नल भेज रहा है वो चैनल के थ्रू भेज रहा है, उस चैनल से ट्रांसमीटर के द्वारा जो सिग्नल आ रहा है उसको रिसीव करता है। यदि हमारे पास मल्टी चैनल, उसका मतलब क्या है, ट्रांसमीटर द्वारा सिग्नल जो आ रहा है वो कई चैनल से आ रहा है, चलिए जो ट्रांसमीटर ज़्यादा होंगे मतलब जैसे वायरलेस माइक्रोफोन ज़्यादा होंगे तभी वो अलग अलग चैनल से भेज रहे हैं, या फिर एक चैनल में ही कई पार्ट उसके कर दिए गए हैं, सब चैनल कह सकते हैं, तो जितने ज़्यादा होंगे उसी हिसाब से वो सिंगल या मल्टी चैनल कहलाता है। मतलब सिंगल चैनल से सिग्नल रिसीव कर रहा है या एक से ज़्यादा सिग्नल से, एक से ज़्यादा चैनल से सिग्नल रिसीव कर रहा है,
एक चैनल से सिग्नल रिसीव कर रहा है तो सिंगल चैनल रिसीवर है, और एक से ज़्यादा चैनल से सिग्नल रिसीव कर रहा है तो मल्टी चैनल रिसीवर है। तो दोनों के टाइप के रिसीवर इसमें अवेलेबल होते हैं। और ये मल्टी चैनल रिसीवर नॉर्मली हम जैसे कह रहे हैं ना कि एक चैनल से आ रहा है या दो से या तीन से चार से पाँच से छः से सात से आठ से, ये सब मल्टी हैं। लेकिन नॉर्मली कितने वाला नॉर्मल इन जनरल यूज होता है वो, या तो ड्यूअल वाला या क्वाड वाला, मतलब या तो दो या फिर चार, मतलब तो दो चैनल से या चार चैनल से जनरल रिसीवर होते हैं, ये इस टाइप के रिसीवर नॉर्मली यूज होते हैं। तो अभी तक हमने इसमें एक तो डायग्राम देखा है कॉर्डलेस माइक्रोफोन का, एक ये देखा कि इंट्रोडक्शन में इसमें होता है क्या एक्चुअली। इसमें मेन पार्ट जो है जो अलग है नॉर्मल माइक्रोफोन से, जो केबल वाले माइक्रोफोन है उनसे अलग है, वो है एक तो कि इसमें केबल नहीं है, इसमें एक रेडियो ट्रांसमीटर है, ठीक है। दूसरा बेसिक कंपोनेंट के बारे में देखा, इसके माइक्रोफोन ट्रांसमीटर और रिसीवर के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स हमने देखे हैं। अब बेनिफिट एडवांटेजेस और लिमिटेशन देखते हैं। बेनिफिट्स तो नॉर्मल है, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई वो मूवमेंट इसमें जो है सबसे मेन एडवांटेज है कि इसमें आप इजीली मूव कर सकते हैं, फ्रीली जो है मूवमेंट हो सकता है केबल वाले माइक्रोफोन के रेस्पेक्ट में। एबिलिटी टू मूव एंड मैन्यूवर विदाउट वरिंग अबाउट ट्रिपिंग ओवर माइक कॉर्ड्स एंड केबल्स, मतलब यदि कॉर्ड वाले या केबल वाले माइक थे उनमें ट्रिपिंग हो सकती है, वॉइस कट जाती है कई बार या नॉइज डिस्टॉर्शन महसूस होता है केबल वाले माइक्रोफोन में मूवमेंट यदि करता है स्पीकर तो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। साउंड क्वालिटी इज क्लियर एज कंपेयर टू वायर्ड माइक्रोफोन, वायर्ड माइक्रोफोन के रिस्पेक्ट में साउंड क्वालिटी अच्छी होती है, क्लियर होती है। व्हेन द माइक्रोफोन इज फिक्स्ड टू द परफॉर्मर और स्पीकर, मतलब जो माइक्रोफोन है वो परफॉर्मर या स्पीकर के रिस्पेक्ट में यदि फिक्स है, व्हेन द माइक्रोफोन इज फिक्स्ड टू द परफॉर्मर स्पीकर द माइक्रोफोन विल टर्न एंड मूव एज दैट पर्सन डज, मतलब एक बार ये माइक्रोफोन जो है परफॉर्मर के साथ फिक्स हो गया है, मतलब या तो उसने अपनी पॉकेट में या बेल्ट में लगा लिया है जो है ट्रांसमीटर को, और उसके बाद माइक्रोफोन जो है टर्न ऑन हो जाएगा, और जैसे जैसे पर्सन मूव करेगा वैसे वैसे हिसाब से वो काम करता रहेगा। दिस प्रिवेंट्स द ऑडियो ड्रॉप ऑफ दैट कैन अकर व्हेन समवन टर्न्स अवे फ्रॉम ए माइक्रोफोन स्टैंड और अनदर फिक्स्ड माइक्रोफोन, इसका मतलब क्या है। दिस प्रिवेंट्स द ऑडियो ड्रॉप ऑफ, मतलब जैसे हमारे पास केबल वाले माइक्रोफोन थे, हमने अभी बताया कि जब हमारा मूवमेंट होता है तो ऑडियो ड्रॉप हो जाती है कई बार केबल के वजह से, लेकिन जो मूवमेंट है उसकी वजह से केबल खींचता है उसकी वजह से इसमें क्या है वो ऑडियो ड्रॉप ऑफ नहीं होते हैं। दिस प्रिवेंट ऑडियो ड्रॉप ऑफ, मतलब जो हमारी साउंड है वो कई बार ड्रॉप हो जाती है, कुछ हमारे जो पार्ट हैं एक तरह से वर्ड्स कह सकते हैं वो पूरी तरह से सुनाई नहीं देते हैं, लेकिन हम जो है इसमें ऐसा नहीं होगा। दिस प्रिवेंट द ऑडियो ड्रॉप ऑफ दैट कैन अगर व्हेन समवन टर्न्स अवे फ्रॉम ए माइक्रोफोन स्टैंड और अनदर फिक्स्ड माइक्रोफोन, जो हमारे माइक्रोफोन स्टैंड वाले माइक्रोफोन होते हैं या फिर फिक्स्ड माइक्रोफोन है उनसे यदि हम थोड़ा सा दूर होते हैं तो हमारे क्या होते हैं कुछ शब्द सुनाई नहीं देते। कई बार हमने बचपन में जो स्कूल में माइक्रोफोन होते थे माइक होते थे उनमें हमारे जो टीचर्स थे वो उस माइक्रोफोन के माइक के पास ही खड़े होकर लेक्चर देते थे, यदि थोड़ा सा इधर उधर वो मूवमेंट करते थे या अपने जो है मुँह को या सर को फेस को इधर उधर थोड़ा मूव करते थे या पीछे थोड़ा मूव करते थे अपनी पोजिशन से थोड़ा हटते थे तो कुछ शब्द उनके दूर जो बच्चा बैठा है उसको सुनाई नहीं देते थे सही से या कुछ शब्द उनके कट जाते थे। इसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई भी ऑडियो ड्रॉप नहीं होती है। तो ये बेनिफिट है, तो मेन मूवमेंट का ही है, बाकी साउंड में से क्वालिटी की बात करें तो क्लियर है और कोई भी ऑडियो ड्रॉप नहीं होती है, ठीक है, यदि हमारा थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है तो, ठीक है। एडवांटेजेस एक तरह से वही है, बेनिफिट्स ऑफ वायरलेस माइक्रोफोन को ही लगभग एडवांटेज में भी लिखा जा सकता है। ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है फॉर द आर्टिस्ट और स्पीकर, मेन यही है कि भाई जो आर्टिस्ट या स्पीकर है म्यूजिशियन है जो म्यूजिक बजा रहा है उसके पास खड़े होकर या फिर अपना गाना गा रहा है सिंगर है या फिर कोई लेक्चरर लेक्चर दे रहा है वो इजीली मूव कर सकता है, मतलब
उसकी मूवमेंट पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ग्रेटर फ्रीडम है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा दूर चला जाए तो उतनी क्वालिटी अच्छी रहेगी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू केबल माइक्रोफोन इसमें ज़्यादा फ्रीडम है। अवॉइडेंस ऑफ केबलिंग प्रॉब्लम्स, जो केबल वाली प्रॉब्लम आती थी वो अवॉइड हो जाएंगी विद वायर्ड माइक्रोफोन। तो वायर्ड माइक्रोफोन में केबल वाली प्रॉब्लम थी वो तो इसमें होंगी नहीं, क्योंकि केबल है ही नहीं। कोज बाई कॉन्स्टेंट मूविंग एंड स्ट्रेसिंग द केबल्स, यदि हम मूवमेंट लगातार करते रहेंगे और या इस केबल को दबाएंगे थोड़ा बहुत स्ट्रेस खींचेंगे, स्ट्रेस होगा उस पर, उसकी वजह से वायर्ड माइक्रोफोन में प्रॉब्लम आती थी, वो इसमें नहीं होंगी, केबल ही नहीं है। ठीक है, रिडक्शन ऑफ केबल ट्रिप हजार्ड्स इन द परफॉर्मेंस स्पेस, यदि परफॉर्मेंस की बात करें तो उसमें केबल में जो ट्रिप हजार्ड होती है उन हजार्ड्स को भी रिड्यूस किया जाता है, क्योंकि केबल है ही नहीं, तो केबल जो की वजह से ट्रिपिंग हजार्ड्स हैं वो होंगे नहीं। बाकी लिमिटेशन भी हर एक सिस्टम की होती हैं, तो लिमिटेशन भी हैं इसकी, ये तो लिमिटेड रेंज है, ऐसा नहीं कि सभी रेंज में काम करेगा। लिमिटेड रेंज मतलब जैसे कि वायर्ड बैलेंस्ड XLR माइक्रोफोन की बात करें, कैन रन अप टू 300 फीट और 100 meters, 100 मीटर तक की रेंज में काम कर सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत रेंज तक भी काम करेगा, लिमिटेड रेंज होगी। और सम वायरलेस सिस्टम्स हैव अ शॉर्टर रेंज व्हाइल मोर एक्सपेंसिव मॉडल्स कैन एक्सीड दैट डिस्टेंस, मतलब यदि आप इसकी रेंज को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। वायरलेस सिस्टम में कुछ हैं शॉर्ट रेंज वाले हैं, और यदि मोर एक्सपेंसिव मॉडल्स हैं उनमें डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, उनकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। बाकी इसमें ऑपरेशन टाइम जो है लिमिटेड होता है रिलेटेड टू बैटरी लाइफ, बैटरी की चार्जिंग पर डिपेंड करके उसकी ऑपरेशन टाइम लिमिटेड होती है। इट इज़ शॉर्टर देन नॉर्मल कंडेंसर माइक्रोफोन। इसमें थर्ड पॉइंट जो है वो है कि पॉसिबल इंटरफेरेंस जो है इसमें पॉसिबल है विद अदर रेडियो इक्विपमेंट, और जो है आप यदि इंटरफेरेंस को रिड्यूस करना चाहते हैं तो उसमें कॉस्ट बढ़ जाएगी। पॉसिबल इंटरफेरेंस विद और मोर ऑफन फ्रॉम अदर रेडियो इक्विपमेंट और अदर रेडियो माइक्रोफोन्स थ्रू दो मॉडल्स विद मैनी फ्रिक्वेंसी सिंथेसाइज स्विच सेलेक्टेबल चैनल्स आर नाउ प्लेंटीफुल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब आजकल देखो पहले के टाइम में थोड़ी डिजाइनिंग में ये था कि कॉस्ट बढ़ जाती थी, लेकिन आजकल थोड़े मॉडल्स अवेलेबल हैं जो कि सेलेक्टेबल चैनल्स या फिर स्विच सेलेक्टेबल चैनल्स या एक तरह से फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट हो सकती है उनमें। मतलब क्या है कि जैसे आप इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम ये कह रहे हैं कि वो रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट करके जो है काम कर रहा है, इसमें जो है मेन जो इसका वर्किंग है वो रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट करने के हिसाब से इसमें काम हो रहा है। तो जो रेडियो सिग्नल है उसकी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी भी होगी, किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रेंज में वो काम करेगा। मान लो जे एग्जांपल के लिए UHF या VHF फ्रिक्वेंसीज या FM या AM इस टाइप की डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज करके UHF और VHF फ्रिक्वेंसीज में काम कर रहा है, तो उस रेंज की यदि कोई अदर रेडियो इक्विपमेंट है या कोई अदर रेडियो माइक्रोफोन है तो उसके साथ भी ये जो है इंटरफेरेंस कर सकता है, उसके सिग्नल को भी रिसीव कर सकता है और इसके सिग्नल का उस दूसरे रेडियो इक्विपमेंट या माइक्रोफोन के सिग्नल के साथ इंटरफेरेंस हो सकता है। लेकिन इस तरह की डिजाइनिंग कॉस्ट इफेक्टिव डिजाइनिंग आजकल पॉसिबल है, जिसमें इंटरफेरेंस कम हो सकता है, फ्रिक्वेंसी सेलेक्टिव कह सकते हैं उसको। ठीक है, फ्रिक्वेंसी सेलेक्टिव डिजाइन। बाकी उसी को लिमिटेशन और हो है इसकी, जैसे कि नॉइज़ और डेड स्पॉट्स, वो पर्टिकुलरली नॉन डायवर्सिटी सिस्टम्स की वजह से हैं। नॉर्मली जो नॉन डायवर्सिटी सिस्टम्स हैं उनमें ही ऐसा होता है, जो नॉइज़ और डेड स्पॉट्स हैं मतलब कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर काम नहीं करता है, प्लेसेस इट वेयर इट डज नॉट वर्क एस्पेशली इन नॉन डायवर्सिटी सिस्टम्स। लिमिटेड नंबर ऑफ ऑपरेटिंग माइक्रोफोन्स एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस, मतलब एक समय पर एक स्थान पर बहुत ज़्यादा माइक्रोफोन्स को यूज नहीं कर सकते, लिमिट होती है उनकी नंबर ऑफ ऑपरेटिंग माइक्रोफोन्स की जो संख्या है ऑपरेटिंग माइक्रोफोन्स एट ए पर्टिकुलर टाइम एट ए पर्टिकुलर प्लेस जो है लिमिटेड होते हैं ड्यू टू द लिमिटेड नंबर ऑफ रेडियो चैनल्स और फ्रीक्वेंसी। मतलब जैसे हमने मल्टी वे स्पीकर या मल्टी चैनल की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास
कितने लाउडस्पीकर यूज कर रहे हो या कितने माइक्रोफोन यूज कर रहे हो, उस टाइप की ये बात है। ऐसे इसमें भी क्या है, माइक्रोफोन एक समय पे एक स्थान पर कितने यूज कर रहे हैं वो लिमिटेड है, क्योंकि में क्या है कि रेडियो चैनल्स और फ्रिक्वेंसी जो है लिमिटेड यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इस लेक्चर में हमने आजकल जो देखा है, इसमें लेक्चर में मिशन देख लिए, एडवांटेजेस और बेनिफिट देख लिए, उससे पहले इसके की कंपोनेंट देख लिए हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है वो हाई फाई स्टीरियो और इट सिस्टम है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे। थैंक यू।